नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। तमिलनाडु में राज्य सरकार और राज्यपाल फिर आमने सामने आ गए हैं। दरअसल राज्यपाल आर.एन. रवि ने सीएम स्टालिन की सिफारिश के बावजूद विधायक पद पर बहाल हुए के पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में के पोनमुडी को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था और उनकी विधायकी भी चली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा पोनमुडी की सजा पर रोक लगाने के बाद राज्यपाल ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन में उनकी कार्यवाही को चुनौती दी गई तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। गौरतलब है कि रूस के पास सबसे बड़ा शस्त्रागार है जो दुनिया को कई बार बर्बाद कर सकता है। इससे अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देश चौंक गए। हालांकि वे जानते हैं कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जल्दबाजी में करने की संभावना नहीं है। साउथ सुपरस्टार सूर्या इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कांगुवा को लेकर चर्चा में है। फिल्म की घोषणा के बाद से फैंस सूर्या की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब कांगुवा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। निर्देशक सिरुथाई शिवा के निर्देशन में बनी इस फिल्म के टीजर की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन लोगों की जुबान पर एक बात तेजी से आ रही है कि कहीं इस सदी की शुरुआत में जो हुआ था वही फिर तो नहीं होने वाला है, क्योंकि लालू परिवार की एक नए किरदार का राजनीति में पदार्पण होगा ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटरों को जैसे थर्मामीटर लगाकर देखा जा रहा है कि वह इसे कैसे लेते हैं। हाँ, नाम है रोहिणी आचार्य का। सीमांचल में जब लालू प्रसाद यादव ने रैली में वर्चुअल तरीके से हाजिरी बनाई थी तब भी रोहिणी का नाम लिया था। इस महीने की शुरुआत में पटना के गांधी मैदान में सशरीर हाजिर हुए तो भी रोहिणी आचार्य का नाम लिया। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है। सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। अब उन्हें जल्द ही सरेंडर करना होगा। जैन को तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले की तरह ही 7 चरणों में होगा। पिछली बार पहले और छठे चरण के अलावा विपक्षी सपा बसपा गठबंधन का प्रदर्शन खराब रहा था। चौथे चरण में तो भाजपा ने विपक्षी गठबंधन का खाता तक नहीं खुलने दिया था। चुनाव पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ा तो पहले चरण के बाद ही विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन बेहद खराब होता गया। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा को 62, उसके सहयोगी अपना दल को 2, बसपा को 10, सपा को 5 और कांग्रेस को महज 1 सीट मिली थी। होली के त्योहार के अब कुछ ही दिन बाकी हैं। वृंदावन की होली के बाद काशी की रंग भरी होली और मसान की होली पर हर किसी की नजर टिकी होती है। ऐसे में इस पर्व को लेकर काशी वासियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। काशी में मार्केट की रौनक लोगों का उत्साह और बढ़ा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर नहीं जाएंगे। जब कोर्ट से जमानत पर है तो ईडी बार बार क्यों समन भेज रही है? प्रवर्तन निदेशालय का समन गैर कानूनी है। भाजपा ईडी के पीछे छुपकर क्यों चुनाव लड़ना चाहती है? कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए बद्रीनाथ से विधायक रहे राजेंद्र भंडारी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मौका परस्त करार दिया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पार्टी के कई नेता भाजपा में गए हैं, लेकिन राजेंद्र भंडारी जैसा मौका परस्ती का उदाहरण कोई और दे नहीं सकता है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को हटाने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने ऐसे गृह सचिवों को हटाने का निर्देश दिया है जो मुख्यमंत्री कार्यालय का भी काम देख रहे हैं। संजय प्रसाद मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव होने के साथ साथ प्रमुख सचिव गृह की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।